सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर कवर्धा के मेकल पर्वत और घने जंगल वाला वनांचल इलाके में आज तक सड़क ही नहीं बन पाई है। बोड़ला ब्लॉक के सिवनी पंचायत के मारा डबरा गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण सालों से परेशानी झेल रहे हैं। बार बार नेताओं से फरियाद करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो गांव वालों ने ही यह फैसला कर लिया कि अब वो खुद सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे और अपने गांव में सड़क बनाएंगे, जिसके लिए ग्रामीणों ने श्रमदान करना भी शुरू कर दिया है। हो सकता है ये खबर देखने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नींद खुले और वो ऐसे पिछड़े इलाकों के विकास की तरफ थोड़ा भी ध्यान देने लग जाए। यहाँ जो है सरकारी देव तो कोई देखे ना परखे, 5 किलोमीटर अंदर है यार, जाएंगे। रोड के बहुत परेशानी है, यहाँ कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाते है, कुछ हो जाते है तो यहाँ एम्बुलेंस आ नहीं पाए, जैसे गर्भवती महिला है या अन्य वजह से बीमारी होते तो बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ से रोड पाट रहे हैं जी। काबर? अरे बहुत परेशानी है, चावल वावल ला नहीं सके, गाड़ी मोटर हमारे यहाँ आ नहीं सके, यही परेशानी है। 5 किलोमीटर तो अंदर हमारा गांव है, पंचायत दूर है सिवनी में, तो यही परेशानी है। रोड में गाड़ी मोटर आ नहीं सके, कोई दुख बीमार हो गया तो हम ले जा नहीं सकम। और हमारे साथ बातचीत कर ले प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं स्वराज संवाददाता कवर्धा से। प्रदीप, जिस तरह देखा जाए कि जो सरकार की उदासीनता साफ नजर आ रही है कि लोग वहाँ पर खुद सड़क बनाने के लिए आगे आ गए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर गया ही नहीं, क्या कुछ इस पूरे मामले में लोगों का कहना है वहाँ पर? देखिए सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आजादी के 72 साल के बाद जो अब तक के जो कई सरकार आए और कई सरकार चले गए, जिसके बाद भी यहाँ के जो जिले के जो वनांचल क्षेत्र के जो इलाके हैं आज भी बहुत ही मार्ग है, क्योंकि यहाँ के वनांचल क्षेत्र के लोग जो है सड़क मार्ग नहीं होने के कारण से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो और कुछ स्वास्थ्य खराबी होता है तो वहाँ तो जो एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण से काफी लोगों को दिक्कत उठाना पड़ता है। पक्की सड़क में जाने के लिए 4 लोगों का सहारा लेकर खाट में खाट का सहारा लेकर जो है पक्की सड़क पे जाना पड़ता है। और खास बात यह है कि यहाँ की जो सिवनी जो पंचायत है, जिसके आखिरी गाँव में मारा डबरा है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे? इस तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर पहुंच ही मार्ग है तो बेटी आगे कैसे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकारें जो है अब इसके पहले जो है 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, उन्होंने भी विकास के बड़े बड़े दावा किए हैं, लेकिन आज हकीकत ये ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क बना रहे हैं, इसीलिए साफ तौर से पोल खुलते नजर आ रहा है। लेकिन प्रदीप, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी सारी मजबूरियां होने के बावजूद भी क्या लोगों की यहाँ पर नजर नहीं गई? क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आता नहीं है? क्यों इस तरह की उदासीनता देखी जा रही है? नहीं दी है तो ये साफ तौर से देखा जाता है शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही का। प्रदीप, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या इस हालातों पर किसी जनप्रतिनिधि की या सरकारी अफसर की कभी नजर नहीं गई क्या? देखिए, जिस तरह से ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है और ये ग्रामीण जो है लगातार यहाँ की जो सरपंच से लेकर मंत्रियों तक और कलेक्टर तक इन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं, अपनी समस्या को रखे हैं, लेकिन इन समस्याओं को लेकर कहीं पे भी शासन और प्रशासन के लोग गंभीर नहीं है, जिसके कारण से अब ग्रामीण जो है खुद जिम्मा उठाया है और एक बेहतर कच्ची सड़क जो है बना रहे हैं, जिससे वहाँ के जो लोगों को निजात मिले और वहाँ तक की जो एम्बुलेंस हो या अन्य गाड़ी हो वहाँ तक। चलिए, जो जिम्मेदार अधिकारी है प्रदीप, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में, और जो जनप्रतिनिधि है वहाँ के, जो हम स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें, उनका क्या कुछ कहना निकलकर सामने आया है? स्थानीय जनप्रतिनिधियों का साफ तौर से कहना है कि अभी हम लोगों को जानकारी नहीं थी, अब जानकारी में आप लोगों के माध्यम से जो आया है अब बिल्कुल हम उस पर अपन मुख्यमंत्री जी को या जो मंत्री है मोहम्मद अकबर उसको ज्ञापन देंगे और वहाँ बेहतर सुविधा या बेहतर अच्छा सड़क बनवाने की जो है आवेदन देंगे बोले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमसे जुड़ने के लिए। यानी कि दुर्भाग्य की बात है कि एक सड़क जिसके बारे में जानकारी नहीं है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को, ये एक बड़ी शर्मनाक बात निकलकर सामने आती है। बहरहाल, बात करते हैं।